हाय, दिस इज डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीनाज न्यूट्रीफिट क्लिनिक मालविया नगर। इतने बड़े बड़े टारगेट अचीव कर लिए वेट लॉस के, अब वेट मेंटेन कैसे करें? वेट तो बाउंस बैक हो रहा है। तो आप लोगों को पता है आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं? आपको सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपने जो सीखा था, आप जिस लाइफस्टाइल को सीख कर आपने अपने आप को इस टारगेट तक पहुंचाया, उसके प्रति आप कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं? आप आज भी वैसे ही वर्कआउट कर रहे हैं? आप वैसे ही चीज़ें खा रहे हैं या नहीं? आप पहले उस पे फोकस करिए। आप वाटर वैसे ही मेंटेन कर रहे हैं 3 to 4 लीटर, कि वो सिर्फ डाइट के लिए था, या जैसे कि स्कूल की घंटी बजी और बच्चे घर भागने की सोचते हैं, उसी तरीके से आपने भी किया कि गोल अचीव हो गया, आज तो पार्टी हो जाए। कीजिए पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज़ नहीं। आपने आज खाए छोले भटूरे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसको फिर मेंटेन करना है। आप 15-20 दिन में एक बार पार्टी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर उसी पुराने लाइफस्टाइल की ओर लौट जाते हैं और फिर से वही रिफाइंड फूड वगैरह खाने लगते हैं। वो नहीं होना चाहिए, उससे आपका वेट वापस आने लगता है। अब इसके पीछे साइंस क्या है ये मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी स्किन है, और ये आपकी स्किन है, और ये आपके एडिपोज टिश्यूज़ हैं। ये पहले से जैसे ये इस साइज के हैं, और आपने खाना खाना शुरू किया। अब ये कितने हैं? ये 5 हैं। ये फूल कर इतने बड़े हो जाएंगे, राइट? और जब ये ज़्यादा फूल जाएंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होके ये 5 की बजाय 10 हो जाएंगे। ये मैं आपको एक लेमैन की भाषा में समझा रही हूँ। तो ये फैट सेल्स हमारे जब हम डाइट करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, वहां से स्किन के नीचे से वो कहीं भी नहीं गए हैं, तो वो वापिस आ जाएंगे अगर आपने मेंटेन नहीं किया। वो श्रिंक हो गए हैं, लेकिन वो गए कहीं नहीं हैं। और क्रेविंग्स फूड की होंगी, लेकिन आपने जैसे मेंटेन करना सीखा है उस हिसाब से आपको अपना माइंड सेट रखना है, वरना ये फिर से ही एडिपोज टिश्यूज आपके खाना मांगेंगे और आप खाएंगे वही सारा खाना जो आपने छोड़ दिया था, और ये फिर से ही स्वोलन होंगे, स्प्लिट होंगे, और आप फिर से वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। तो आप सोचिए आपको क्या करना है। तो ये देखिए, आप लीन एडिपोज टिश्यूज़ और ओबीज एडिपोज टिश्यूज़, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा जो मैंने समझाया। और आप अपने फिटनेस गोल के लिए कितने ज़्यादा कमिटेड हैं, चाहे आप किसी भी एज के हैं, आपने अगर वेट लॉस अचीव किया है, क्योंकि मैं मानती हूँ एज इज जस्ट नंबर, आप किसी भी एज में सोच के और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और आपने उस टारगेट को कितना सीरियस लिया है और किस लिए लिया है, कि डॉक्टर के कहने पे प्रेशर में आपने वेट लॉस कर लिया और आप फिर से ही उस पुरानी लाइफ पे लौट गए। तो ऐसा नहीं करना है। आप कम से कम डेली में 20 मिनट्स, आप अपना 20 to 25 मिनट्स जैसे वर्कआउट करते हैं वैसे ही करेंगे, और आपको इतनी लंबी जर्नी में अपनी वेट लॉस की पता चल जाता है कि आप लोगों को क्या सूट कर रहा है, आपकी बॉडी का वेट किस चीज़ से बढ़ रहा है। कई बार हम डाइट में कुछ पल्सेस दे देते हैं, या कई बार ही राजमा चावल की फरमाइश पे हम दे देते हैं, या आपने खा लिए तो आपको पता है कि अगर आज मैं राजमा चावल खाए हैं और मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो आप वो चीज़ या तो अवॉइड करें, और अगर आपने अपनी टेस्ट बड्स के लिए वो खाई है तो आप उसको नेक्स्ट डे मेंटेन करें, जो कि आप लोगों को, मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से आता है मेंटेन करना। तो उस तरीके से आप मेंटेन, लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखिए, और ये कभी मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकती। आपने वेट लॉस अचीव किया है, इतना बड़ा टारगेट कंप्लीट किया है, उसके बाद आप मेंटेन करेंगे, आप मील स्किप नहीं करेंगे जैसे कि आप पहले करते थे, कि सुबह उठ गए, चाय तो हमने स्टीविया वाली ले ली और साथ में दो हमने रस्क ले लिए या बिस्किट ले ली जिसमें तो शुगर है। तो आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे,
ऐसा नहीं करेंगे कि आज हमने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया और फिर लंच में हमने बहुत सारा खा लिया, फिर कल हमने लंच छोड़ दिया फिर डिनर में बहुत सारा खा लिया। तो इस तरीके से आप नहीं करेंगे, तभी आपकी वेट की जो जर्नी आपने अचीव की है वो मिनटें। स्टेस का यूज करें, वॉक बंद नहीं करें, स्ट्रेचिंग करें, हाइड्रेटेड रहें, वाटर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, 2-3 लीटर वाटर मेंटेन करें और 4 लीटर तक भी मेंटेन करें, क्योंकि अभी भी बहुत समर है, सितंबर ज़रूर शुरू हो गया है। और अपना जो आपका गोल आपने अचीव किया है उसके लिए अपने आप में प्राउड फील करें, आप अपने आप को मिरर में देखें, सोचें कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ। और अपनी किसी पुरानी ड्रेस को आप पहन के देखें, जब आप किसी पुरानी ड्रेस को पहनेंगे आप उसमें फिट हो जाएंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। और अपनी और भी जो छोटी ड्रेस है उसको टारगेट करके रखें कि अब मुझे उसके अंदर तक पहुँचना है। तो इस तरीके से अपने आप को आप मोटिवेट रखें, आपका वेट जो टारगेट अचीव किया है वो भी मेंटेन रहेगा और साथ में ही आप और वेट लॉस ले आएंगे और खूबसूरत दिखेंगे। लेकिन हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और कोई भी ऐसी डाइट फॉलो नहीं करनी है जो आपको हार्म कर दे कि बहुत लो कार्ब पे चले गए या बिल्कुल हाई प्रोटीन पे चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें आपको हार्म कर सकती हैं। आपने एक बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए अपनी वेट जर्नी को पूरा किया है तो उसी पे ही रहिए और उस तरीके से ही अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके अपना वेट मेंटेन रखिए। आपका जब माइंडसेट हो जाएगा और जब आप सोचने लग जाएंगे कि हाँ मैं इस तरीके से चलूं तो मेरा वेट मेंटेन रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप किसी पार्टी में भी जाएंगे तो आप वहाँ पे उतने ही चीज़ें सेलेक्ट करेंगे अपनी प्लेट में जो आपको खानी है। ये नहीं कि पूरी प्लेट फुल कर लेंगे और बहुत सारे फेवरेट चीज़ें दिख रही हैं तो उनको खाना शुरू कर देंगे। आपका लॉन्ग टर्म गोल तभी मेंटेन रहेगा जब आप अपना माइंड सेट रखेंगे। उसके अलावा जब आप शॉपिंग पर जाएं तो फूड पैकेट्स के बैक साइड में लिखे होते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके अंदर कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना सोडियम है। तो अपनी पेंट्री में वही चीज़ें रखें जो आपको बॉडी को सूट करती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखें जो आपको सूट नहीं करती है। तो इस तरीके से भी आपका वेट मेंटेन रहेगा। और अपनी पेंट्री को क्लीन रखें, क्लीन का मतलब उसमें कोई रिफाइंड फूड नहीं रखें, कोई रिफाइंड चीज़ें नहीं रखें जिसको देख के आपका मन करे खाने का। स्ट्रेस में भी आप कई बार बहुत सारी चीज़ें खा जाते हैं और अपने घर पे वही सारी चीज़ें रखें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको हमने वेट लॉस कराया या आपने किया तो उसको आपने मेंटेन करना है। तो माइंडसेट, थिंक पॉजिटिव, पानी मेंटेन रखना है, वॉक मेंटेन रखनी है, स्ट्रेचिंग मेंटेन रखनी है और जिस लाइफस्टाइल को फॉलो करके आपने इतनी लंबी जर्नी पूरी की है उसको आपने भूलना नहीं है। तो उसको आप जब मेंटेन रखेंगे, आप मील स्किप नहीं करेंगे, अपनी प्रिपरेशन अपनी एक दिन पहले कर लीजिए कुछ मील्स की। सब लोगों की लाइफ आजकल बहुत बिजी है, सब वर्किंग है, तो आप रात को ही अपने मॉर्निंग के मील्स तैयार करके, जैसे ओवरनाइट ओट्स वगैरह हम इजीली तैयार कर सकते हैं, या अगर कटिंग चॉपिंग करनी है किसी चीज़ की तो आप रात को ही करके रख दें फ्रिज में और आप उसको सुबह अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आप अपने काम पे भी टाइम पे पहुँचेंगे और वेट भी मेंटेन रहेगा। तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए अपने आप को मोटिवेट रखिए और एक्टिव रखिए। थैंक यू सो मच। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।